हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इंगेट अड्डा। आरसीसी का तीसरा वीडियो ये होगा जिसमें हम ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने दो वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे पोस्ट हो चुका है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। आप नहीं देखे तो उनको देख सकते हैं पहले, एंड आज जो है उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन विदाउट एनी फर्दर डिले। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टूडे डिस्कशन, दिस इज मी एंड दिस इज द ब्रीफ इंट्रो अबाउट मी। सो लेट अस बिगिन टूडे डिस्कशन विदाउट एनी फर्दर डिले। सी द क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 51 जो कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, डेट मीन्स इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये तो ये स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिया गया है एंड क्वेश्चन में पूछ रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है आपने से। ओके, तो चलिए स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, इन अ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट मॉडुलर रेशियो इज डिफाइंड बाय द मॉडुलर रेशियो। डेट मीन्स मॉडुलर रेशियो के बारे में पूछ रहा है। ये क्या होता है, ये होता है आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा, मॉडुलर रेशियो इज डिफाइंड बाय द रेशियो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय कंक्रीट। तो सही है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड नीचे में कंक्रीट रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मॉडुलर रेशियो। सो दिस इज परफेक्टली करेक्ट। और इसका यूज कहाँ पे होता है, ये जो है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मॉडुलर रेशियो का यूज करते हैं। वहां पे ये फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, बट वर्किंग स्ट्रेस में वो खुद का फॉर्मूला दिया गया है 280/3σcbc। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस में मॉडुलर रेशियो का यूज करते हैं, फाइन। चलिए स्टेटमेंट टू देखते हैं। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ सीमेंट कंक्रीट फंक्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मॉडुलस ऑफ रप्चर, मॉडुलस ऑफ रप्चर मतलब बेंडिंग में स्ट्रेंथ, FCR। ठीक है, स्ट्रेंथ इन द रप्चर, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन अ रप्चर। क्या होता है फॉर्मूला, 0.7 रूट ओवर FCK। FCK इज द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो यहां पे बोला मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ ए सीमेंट कंक्रीट इज अ फंक्शन ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही, करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फंक्शन है, करेक्ट। कमिंग टू थर्ड स्टेटमेंट, द करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट, M20 ग्रेड है सीमेंट कंक्रीट एट 7 डेज इज 20। M20 का 28 डेज में स्ट्रेंथ जो होगा, 28 डेज वो होगा आपका 20। ठीक है, 7 डेज में नहीं होगा, 7 डेज में कितना होगा इसका, 6/7 कर लीजिए। ठीक है, तो 6/7 कर लीजिए, उतना होगा 7 डेज में, और 28 डेज में आपका 20 होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 and 2 इज करेक्ट, सो आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी। ओके, सो दिस इज क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में एक और चीज देख लेते हैं। तो 7 डेज तक का, तो अपने को 7 डेज में कितना होता है, तो 7 डेज में जो स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का वो सब देख लेते हैं। 6 मंथ में कितना, तो वो सब देख लेते हैं। आपको कुछ भी क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का स्टेट का, तो वहां पे आप आंसर कर सकते हैं। 7 डेज में जो स्ट्रेंथ होता है आपका वो 0.7 टाइम्स ऑफ करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना है 20, तो 0.7 टाइम्स। 6 मंथ में कितना होगा आपका, और 28 डेज में तो आपको पता ही है, 28 डेज में FCK के बराबर आएगा आपका FCK। 6 मंथ में कितना होगा आपका, 6 मंथ में आपका हो जाता है 1.2 टाइम्स ऑफ FCK। 1 ईयर में कितना होता है, 1 ईयर में नियर टू 1.25 से 1.5। ऑब्वियसली 1.2 से तो ज्यादा ही होगा, तो 1.2 से 1.25 ऑफ FCK। तो ये सब कुछ डाटा है, आपको छोटे छोटे एग्जाम में मिल जाता है। ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, फाइन। सी द क्वेश्चन नंबर 52, ये आपका 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द मिनिमम एनफोर्समेंट। क्या पूछा आपसे, मिनिमम एनफोर्समेंट पूछ रहा है। ठीक है, मिनिमम एनफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड इन ए वॉल। किसमें पूछा अपने को, वॉल में पूछ रहा है। एज द रेशियो ऑफ वर्टिकल एनफोर्समेंट टू द ग्रॉस कंक्रीट एरिया।
मिनिमम इन्फोर्समेंट आपको वर्टिकल इन्फोर्समेंट पूछ रहा है आपसे, वॉल में डिवाइडेड बाय ग्रॉस एरिया, ठीक है। तो क्या होता है, जो यदि आपका एच वाई एस डी बार है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार यदि यूज कर रहे हैं, तो रिइंफोर्समेंट कितना लेते हैं, 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है। आप सपोज जो सपोज ऑल अदर टाइप्स ऑफ बार यदि यूज कर रहे हैं, एफई 250 वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उस सब के लिए कितना होता है, 0.15% ऑफ एजी, ठीक है। एंड थर्ड स्टेटमेंट यहां पे देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, यदि आपका डायमीटर और वेल्डेड वायर फैब्रिक है, वेल्डेड वायर मतलब स्टील का वायर है, इसको वेल्ड कर दिया गया है, वेल्डेड वायर फैब्रिक है, ठीक है, हमने वेल्ड करके बनाया हुआ है, ओके। तो उस केस में 0.12% लेते हैं, 0.12% फॉर वेल्डेड वायर फैब्रिक विद द वायर्स नॉट लार्जर देन 16 mm, इतना लेते हैं, बट जो है आपका वायर का जो डाया है वो 16 mm से कम होना चाहिए, फाइन। तो ये सारे क्राइटेरिया, तो यहाँ पे वही सारे क्राइटेरिया, ये सब 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट, ओके। इन केस ऑफ वॉल के केस में इन्फोर्समेंट का क्राइटेरिया, ये तीनों क्राइटेरिया सही है आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इज द करेक्ट आंसर, फाइन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, देखिए, एट व्हाट स्ट्रेस डज द फर्स्ट फ्लेक्चुरल क्रैक अपीयर्स इन आरसीसी बीम। आरसीसी बीम में सबसे पहला क्रैक कब अपीयर होगा, फर्स्ट फ्लेक्चुरल क्रैक अपीयर्स इन द आरसीसी बीम। फ्लेक्चुरल क्रैक मतलब बेंडिंग, तो फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ क्या होता है, 0.7 √FCK। जब स्ट्रेस का वैल्यू इसको एक्सीड कर जाएगा, इफ द स्ट्रेस जब इसको इक्वल टू और एक्सीड कर जाएगा, तो क्रैक डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली इफ द स्ट्रेस इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ कितना है निकाल लीजिए आप, 0.7 इंटू √25, मतलब कितना आ जाएगा आपका 3.5 पे जो है क्रैक बनना स्टार्ट हो जाएगा स्ट्रेस का वैल्यू। सो आंसर विल बी बी हियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे आपको लिस्ट वन में आईएस कोड दिया हुआ है एंड लिस्ट टू में दिया हुआ है, ये आईएस कोड किसके लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे IS-875, तो IS-875 जो है आपका ये लोडिंग सिस्टम के लिए, लोड के लिए यूज होता है। जैसे IS-875 पार्ट वन वो डेड लोड के लिए यूज होता है, डेड लोड। पार्ट टू जो है आपका लाइव लोड, ठीक है। पार्ट थ्री जो है आपका विंड लोड, ठीक है। तो IS-875 किसके लिए यूज होता है, लोड के लिए, सो लोड सही है। IS-1343 जो है आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट का कोड है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। सो आंसर बी का क्या हो गया, 4, ए का 2 यहां पे है, बी का 4, ठीक है। तो अब तो अब आंसर तो आपको पता ही चल गया डी होगा, बट बाकी सब देख लेते हैं। IS-1893 होता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन का, एंड IS-3370 होता है वाटर टैंक या लिक्विड स्टोरेज स्ट्रक्चर, फाइन। सो डी का 3, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नंबर 55। What is the modular ratio to be used in the analysis of RC beam using working stress method if the grade of concrete is M20? तो M20 ग्रेड के लिए मॉडुलर रेशियो कितना यूज करते हैं जब हम WSM मेथड ऑफ डिजाइन का हम फॉलो करते हैं। तो मॉडुलर रेशियो के लिए मैं बता चुका हूँ आपको, वो होता है 280/3 सिग्मा CVC, ठीक है। तो अब 280, ठीक है, 3 सिग्मा CVC, दैट मीन्स बेंडिंग में परमिसिबल स्ट्रेस कितना है होता है। तो M20 का बेंडिंग में परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा CVC, वो हम जनरली रफली कैसे निकाला जाता है, 20/3, तो रफली आपको नियर टू 7, तो IS कोड बोलता है 7, ठीक है।
तो यहाँ पे जब आप 7 पुट करोगे, डिवाइड करिए, तो आपको मिलेगा 13.3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलर रेशियो एज पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड रिकमेंड करता है यूज करने के लिए। सो बी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, ओके, सो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 थोड़ा सा लेंदी है आपका, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे। नो क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द मॉडुलर रेशियो एज 13। आपको मॉडुलर रेशियो दे दिया गया है यहाँ पे, कितना है 13। ओके, 13 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको दिया गया है, एंड ग्रेड ऑफ स्टील इज Fe415। फाइन, Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील दिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बैलेंस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एज पर WSM? WSM में जो बैलेंस डेप्थ होता है या क्रिटिकल डेप्थ बोला जाता है, वो निकालिए XC/D। एंड LSM में जो हम बोलते हैं बैलेंस डेप्थ को, लिमिटिंग डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ बैलेंस डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस एज पर द वर्किंग स्ट्रेस मेथड टू द बैलेंस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एज पर लिमिट स्टेट मेथड। तो अपने से पूछ रहा है ये XC/XU लिमिट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है अपने से। फाइन, तो पहले तो अपने को निकालना पड़ेगा XC का वैल्यू। तो XC/D ये जो वैल्यू होता है एज पर WSM का जो फॉर्मूला होता है बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस का, वो होता है आपका M into σCVC / M into σCVC + σST। ओके, M का वैल्यू जो है आपका 13 दिया हुआ है, σCVC जो है M20 के लिए आपको मैं बता चुका हूँ 20/3 कीजिए, यही होता है σCVC। ओके, नियर टू जो आ रहा है, तो 7 और 13 × 7 + σST जो होता है WSM के लिए, σST Fe415 के लिए σST कितना होता है, σST होता है Fe415 के लिए 230। ओके, सो 230, तो ये पुट कीजिए वैल्यू आएगा। अब अपने को निकालना XU लिमिट / D, ये हो गया LSM में। अब चल रहे हैं, ये था WSM, और LSM में जो लिमिटिंग डेप्थ बाय इफेक्टिव डेप्थ, इसका इन दोनों का रेशियो कितना होता है Fe415 के लिए, क्योंकि Fe415 ग्रेड है, तो वो होता है 0.48, ठीक है। अब इन दोनों का जब आप रेशियो ले लेंगे दोनों वैल्यू का, तो XC/XU लिमिट पता चलेगा, XC/XU लिमिट आपको पता चलेगा, और उसका वैल्यू जो आएगा आपका, उसका वैल्यू आएगा आई थिंक 7/12 आ जाएगा। ओके, तो उसका वैल्यू जो है 7/12, कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये वैल्यू आपका आएगा। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए लिमिटिंग डेप्थ WSM में क्या होता है, और LSM में लिमिटिंग डेप्थ जो है Fe415 के लिए क्या होता है, Fe415 के लिए है। फाइन, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 57 जो आपका मैच द फॉलोइंग्स है, तो लिस्ट वन देखिए यहाँ पे क्या दे, मोमेंट एंड सीयर। मोमेंट एंड सीयर के लिए जो हम एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं, स्ट्रक्चर का एनालिसिस किसके लिए करते हैं, मोमेंट एंड सीयर के लिए ही करते हैं। वैसे भी पहले आप इस टाइप का मैच द फॉलोइंग्स में पहले आप कोड पे आइए, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ए जो है, ए का क्या क्या हो सकता है, ए का 4 या 3 होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो आप ओनली ए के लिए 4 और 3 को देखना है, 1 और 2 को देखना ही नहीं है। तो मोमेंट एंड सीयर, एनालिसिस ऑफ ए स्ट्रक्चर, डिफ्लेक्शन लिमिट रेशियो ऑफ ए बीम। तो एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर के लिए मोमेंट एंड सीयर जो है हम यूज करते हैं। फाइन, तो ये फिक्स हो गया, ए का 3 होगा। अब ए का 3 होगा तो आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक बी और एक डी, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो मेनली अब बचा बी का, हमें पता चल जाए बी का 2 होगा या फिर 1 होगा। बी क्या है, फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस जो होता है वो ड्यूरेबिलिटी में हम कंसीडर करते हैं, ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया में। फाइन, दैट मीन्स बी का 1। अब बी का 1 दैट मीन्स आंसर अपने को पता चल चुका है, डी जो है वो करेक्ट आंसर है। बट बाकी सब देख लेते हैं। स्लाइडिंग जो है, स्लाइडिंग वो स्टेबिलिटी को रिलेट करता है, एंड स्पान बाय डेप्थ का रेशियो जो है ये डिफ्लेक्शन को, स्पान बाय डेप्थ का रेशियो डिफ्लेक्शन को लिमिट करता है। ओके, सो दिस इज द, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 58, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीज्ड विद। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कंक्रीट का होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है कंक्रीट का, इक्वल टू 5000 रूट ओवर FCK। अब ई कब इंक्रीज होगा आपका, ई इंक्रीज होगा जब आपका FCK का वैल्यू इंक्रीज होगा, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट का वो एज के साथ इंक्रीज होता है आपका। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है FCK का वैल्यू इंक्रीज होता है एज के साथ। आपको मैं इससे पहले भी बता चुका हूं जो FCK का वैल्यू जो 1 ईयर्स के लिए यदि बोले तो कितना होता है, 1.22 FCK 28 डेज में FCK होता है, मतलब एज के साथ इंक्रीज हो रहा है। सो मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीज्ड विथ इंक्रीज इन एज। ठीक है, तो ई का वैल्यू इंक्रीज होगा FCK के वैल्यू से इंक्रीज होने से। फाइन, क्लियर है, इंक्रीज इन एज। तो एज जैसे जैसे इंक्रीज होगा FCK का वैल्यू इंक्रीज होगा, FCK का वैल्यू इंक्रीज होगा तो आपका ई का वैल्यू इंक्रीज होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फाइन, सी द क्वेश्चन नंबर 59, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू करेक्ट पर्पस एज रिगार्ड टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट बाय अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। ये मेथड होता है कंक्रीट का क्वालिटी को असेस करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड जो है इसका क्या क्या मतलब, इस मेथड्स का से हम क्या क्या निकालते हैं और इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो फर्स्ट, टू असेस द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इन सीचू। तो हाँ, अल्ट्रासोनिक मेथड जो आपका क्वालिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में बताता है, ठीक है, कि उसमें क्रैक है या कैसा है क्वालिटी, उसके बारे में ये बताता है। सेकेंड, टू डिटरमाइन द डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। बिल्कुल सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है कंक्रीट का, डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट ये हम निकालते हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी से। ये याद रखना, बहुत ही फ्रिक्वेंट ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, डायनेमिक मॉडुलस निकालते हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी से। चलिए, थर्ड स्टेटमेंट, टू लोकेट द प्रेजेंस ऑफ क्रैक इन इट। ये भी सही है, जो वेलोसिटी अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी ये जो है प्रेजेंस ऑफ क्रैक यदि प्रेजेंट है तो उसका जो वेलोसिटी का स्पीड है वो चेंज हो जाता है, तो वो क्रैक को हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्रैक प्रेजेंट है या नहीं है। तो तीनों हो गया, 1, 2, 3। सो करेक्ट आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ ए कंक्रीट इज। ये कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसके बारे में बात कर रहा है। तो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता है, मैं आपको पार्ट 1 वीडियो में भी बता चुका हूँ, पार्ट 2 में भी बता चुका हूँ, कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो पैराबोलिक यहाँ तक, उसके बाद कांस्टेंट। ठीक है, कहाँ तक पैराबोलिक होता है ये मैं बता चुका हूँ, 0.002। एंड फिर ये कहाँ पे जाके हम फेल्योर कंसीडर करते हैं, 0.0035। ठीक है, तो पहले इनिशियल पोर्शन क्या है, ये पैराबोलिक है आपका, पैराबोलिक। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपको बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर डायग्राम है, रेक्टेंगुलर। ओके, दिस इज अ स्ट्रेन एंड दिस इज अ स्ट्रेस। ओके, तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो स्ट्रेन अप टू 0.002 स्ट्रेन जो हमारा डायग्राम है वो कैसा है, पैराबोलिक है, और 0.002 से 0.0035 स्ट्रेन तक डायग्राम कैसा है आपका, रेक्टेंगुलर डायग्राम है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस ABCD को क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन आप सी देखिए, ऑप्शन सी, इट इज नियरली पैराबोलिक अप टू 0.002 स्ट्रेन, सही है ये। सो अप टू 0.002 स्ट्रेन इट इज पैराबोलिक वैल्यू एंड देन स्ट्रेट लाइन अप टू फेल्योर, तो उसके बाद जो है ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है जब तक कि ये फेल होगा। ओके, सो दिस इज क्लियर, सो आंसर विल बी सी, सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, इन अ लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ ए मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल्स प्राइमरली। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, ये पार्ट 1 वीडियो में भी मैं ये डिस्कस किया था। जो आपका स्पेसिंग होता है मेन रेनफोर्समेंट का, मेन रेनफोर्समेंट जो है उसका जो स्पेसिंग है
स्पेसिंग कितना स्पेसिंग देंगे वो क्या डिसाइड करता है, वो कितना देंगे हम मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होना चाहिए, ठीक है, वो डिसाइड करता है क्रैकिंग, जिससे कि स्ट्रक्चर में क्रैक नहीं हो, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन द क्रैकिंग क्राइटेरिया। ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर, फाइन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 62। इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट फॉर फ्लेक्चर द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इज, तो हमारा जो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक है, ये एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक जहां यहां तक ये जो है एरिया, इसका एरिया कितना आता है, यहां पे स्ट्रेस कितना होता है 0.45 एफसी के, यहां से यहां तक पैराबोलिक, उसके बाद रेक्टेंगुलर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, इससे पहले जस्ट जो देखे, तो इसका जब एरिया निकालेंगे पैराबोलिक प्लस ये रेक्टेंगुलर का एरिया, तो नेट एरिया जो आता है, नेट एरिया कितना आता है, नेट एरिया आता है 0.36 एफसी के, और ये डेप्थ, लेट सी द एक्सयू डेप्थ है, तो एक्सयू 0.36 एफसी के एक्सयू बी इंटू एक्सयू, ये एरिया निकालोगे तो आपका बी नहीं आएगा, ओनली 0.36 एफसी के इंटू एक्सयू इसका एरिया निकालेंगे तो, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या है, यहां पे आपको स्टेटमेंट दिया हुआ, चार स्टेटमेंट बोला कौन सा सही है, तो पहले तो ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है वो देखिए, पहले परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस डिजाइन ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन, परसेंटेज ऑफ स्टील जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका 41.3 FCK by FY XU limit by D, XU limiting by D, ये होता है फॉर्मूला। अब यहां पे बोला है जो परसेंटेज ऑफ स्टील है PT, दैट मींस इन परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस डिजाइन ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड डिपेंड्स अपॉन, ये लिमिट स्टेट मेथड से निकाला गया है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन क्या क्या चीज पे डिपेंड करा, देखिए यहां पे एक तो FCK करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल सही, FCK के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ FY डिपेंड कर रहा है, करेक्ट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन, अब ये कैसे डिसाइड होगा, अब यहां पे आप XU by limit यदि देखें, XU by limit का वैल्यू क्या होता है, XU limit by D का जो फॉर्मूला आता है ये कहां से लिखते हैं हम XU limit, तो ये फॉर्मूला जो आता है इसका बताते हैं, देखिए इसको, इसका जो फॉर्मूला आता है XU limit by D, तो हम कैसे लिखते हैं, जैसे 0. वेट फॉर सेक, ये जो है हमारा स्ट्रेन डायग्राम से ये निकालते, तो स्ट्रेन डायग्राम में कंप्रेशन में टॉप में होता है 0.0035 एंड 0.035 एंड बॉटम में कितना होता है स्ट्रेन FY 0.87 FY डिवाइडेड बाय ES प्लस 0.002, ठीक है, यहां से होता है, तो उसके बाद सपोज दिस, ये जो डेप्थ है इसको बोलते हैं हम एक्सयू लिमिट, ठीक है, एंड ये टोटल जो डेप्थ है यहाँ पे रेनफोर्समेंट तक उसको बोलते हैं डी, फाइन। तो यहाँ से जो हम सिमिलर ट्राइंगल लगा के निकालते हैं 0.0035 डिवाइडेड बाय एक्सयू लिमिट, दैट इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई प्लस 0.002 डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्सयू, ये कितना हो जाएगा, ये आपका डेप्थ कितना हो जाएगा, ये जो डेप्थ है आपका ये कितना हो जाएगा, डी माइनस एक्सयू, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो एक्सयू जो है वो क्या चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो जो है आपका ईएस, यहां पे था ईएस, वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फाइन। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो एक्सयू का वैल्यू लिखेंगे हम यहां से, एक्सयू लिमिट जब निकालेंगे तो डी ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा और वो बचेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो थ्री जो है ये भी सही है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ज्योमेट्री पे नहीं डिपेंड करेगा क्योंकि डी तो कैंसल आउट हो जाएगा, डी ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। ओके, ये थोड़ा सा डिटेल था। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इन आरसी सेक्शन रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन अंडर फ्लेक्जर बेंडिंग में द एजम्पशन दैट प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेंस प्लेन आफ्टर बेंडिंग लीड्स टू। अब ये मैं पहले पार्ट वन वीडियो में भी बता चुका हूं, ये एजम्पशन का मतलब क्या, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेंस प्लेन आफ्टर बेंडिंग, इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेन डायग्राम जो है वो लीनियर होगा, ठीक है, तभी ये वाला एजम्पशन वैलिड हो पाएगा, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेंस प्लेन आफ्टर बेंडिंग, दैट मीन्स स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग लीनियर अक्रॉस द डेप्थ। सो ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन, तो 64 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, अब देखिए ये जो है लिस्ट जो है मैच द फॉलोइंग्स है, तो मैच द फॉलोइंग सॉल्व करने से पहले हम मैं क्या बताया हूं आपको, पहले आप कोड पे आ जाए, ए का जो ए है उसका क्या क्या हो सकता है, वन एंड थ्री में से कोई एक होगा ए, तो ए में है क्या, डबली रेनफोर्स सेक्शन। वन में क्या, सर्विसिबिलिटी, नहीं इससे तो रिलेट नहीं हो रहा है, एंड थ्री में क्या है, रिडक्शन इन द सेक्शनल डेप्थ, इससे ये रिलेट हो रहा है आपका। यदि मोमेंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया, मोमेंट का अल्टीमेट मोमेंट का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, तो हमें जो है या तो डेप्थ इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर डबली रेनफोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डेप्थ को इंक्रीज नहीं करके हम डबली रेनफोर्स दे दें, ठीक है, दैट मीन्स रिडक्शन इन द सेक्शनल डेप्थ, ओके। चलिए बी, तो इसका इतना फिक्स हो गया, ए का थ्री होगा, दैट मीन्स बी या फिर डी में से कोई एक आंसर होने वाला है, ओके। चलिए बी पे आ जाते हैं, बी क्या, लिमिट स्टेट डिजाइन। तो लिमिट स्टेट डिजाइन जब होता है तो ये किसके लिए करते हैं, लिमिट स्टेट डिजाइन, ठीक है, लिमिट स्टेट डिजाइन जो अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी, लिमिट स्टेट डिजाइन जो है अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी, बी का फोर, दैट मीन्स अपना हो गया आंसर तो डी होगा, ये तो क्लियर हो गया है, फाइन। बट फिर भी देखते हैं सी, मिनिमम कवर जो हम ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम कवर एंड जो आपका फायर जो है वो ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए देखा जाता है, ओके। एंड स्पान बाय डेप्थ का रेशियो, स्पान बाय डेप्थ मैं इससे पहले जस्ट बता चुका हूँ, ये क्या है, डिफ्लेक्शन को लिमिट करता है, डिफ्लेक्शन लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है, उसको चेक करता है। अब डिफ्लेक्शन क्या है, डिफ्लेक्शन जो है सर्विसबिलिटी क्राइटेरिया, डिफ्लेक्शन क्या है आपका, सर्विसबिलिटी क्राइटेरिया है, ओके। तो स्पान बाय डेप्थ क्या हो गया, सर्विसबिलिटी, सो डी का वन, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड ग्रेटली अफेक्ट द अटेनमेंट ऑफ बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट मिक्स प्रोड्यूस यूजिंग द वे बैचर। तो कौन सा फैक्टर जो इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, ज्यादा इफेक्ट करता है स्ट्रेंथ को अचीव करने में। ऑब्वियसली सारे फैक्टर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करता ही है, जितने भी फैक्टर है, बट इसमें से कौन सा फैक्टर ज्यादा इफेक्ट करता है। तो पहला देखिए, मॉइस्चर कंटेंट इन द सैंड एंड ग्रेवल, तो मॉइस्चर कंटेंट से जो है स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, ओके। इनएडिक्वेट और एक्सेस यूज ऑफ अप्रूव्ड एडमिक्सर, यदि आप एडमिक्सर का ज्यादा यूज कर लेंगे, दैट मीन्स प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर का ज्यादा यूज कर देते हैं, तो उससे भी स्ट्रेंथ में इफेक्ट होता है, ठीक है, और वो कंसिडरेबल इफेक्ट होता है, ओके। तो वन एंड टू, एंड बाकी देखिए स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ ड्रम, इससे भी इफेक्ट होता है बट उतना नहीं होता है, ठीक है, ग्रेटली इफेक्ट नहीं होता है। नॉन इम्पटिंग ऑफ द ड्रम एज ए फुल्ली एज पॉसिबल, इससे भी होगा थोड़ा ना थोड़ा, ठीक है, बट उतना नहीं होगा। तो वन एंड टू इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। सो क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 67, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना बार बताएं, ये होता है 5000 रूट ओवर एफ सी के, ठीक है।
अब एफ सी के का वैल्यू इंक्रीज होगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज होगा, वही लिखा हुआ, विद द इंक्रीज इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीजेज, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बोल रहा है जो एफ सी के का वैल्यू जब हम इंक्रीज कर दें तो शियर स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही है। वैसे भी आप टेबल से भी आप देख सकते हैं जो आईएस कोड का टेबल है, ठीक है, तो उस टेबल से भी आप देख सकते हैं आईएस 456 है, तो एम का वैल्यू 20 के लिए 25 के लिए जैसे जैसे हमारा ग्रेड इंक्रीज होता जाता है टीसी का वैल्यू, ठीक है, वो इंक्रीज होता जाता है सीएस स्ट्रेंथ का वैल्यू। अदरवाइज थियोरेटिकल वे में समझना आपको, थियोरेटिकल वे में तो सीएस स्ट्रेंथ जो है वो बहुत सारे फैक्टर, चार फैक्टर से मेनली ड्राइव होता है, उसमें से एक फैक्टर है एग्रीगेट इंटरलॉकिंग, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग, ठीक है। जब आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो वहां पे इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा, जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो वहां पे आपका इंटरलॉकिंग का वैल्यू ज्यादा होता है। अब इंटरलॉकिंग का वैल्यू यदि ज्यादा होता है तो आपका शियर कैपेसिटी इंक्रीज होगा, फाइन, तो दोनों सही है, वन इज करेक्ट, टू इज ऑल्सो करेक्ट, ओके, सो बोथ वन एंड टू इज करेक्ट, सो बी इज द करेक्ट आंसर, फाइन। चलिए 68 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, क्वेश्चन नंबर 68, ग्रेड ऑफ स्टील इज डेजिग्नेटेड एज Fe415 इफ, अब कोई भी स्टील का ग्रेड हम Fe415 बोलेंगे कब, जब उसका करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है Fe415 आएगा तब, इफ द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द दैट स्टील इज 415 देन हम उसका डेजिग्नेट करेंगे ग्रेड Fe415, सो डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, देखिए द एडिशनल कवर, यहाँ पे ये चीजें ध्यान देना आपको, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एडिशनल कवर, एडिशनल कवर पूछा, ठीक है, कवर नहीं पूछा, एडिशनल ठीक, एडिशनल कवर थिकनेस टू बी प्रोवाइडेड इन द रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर दैट आर टोटली इमर्ज्ड इन द सी वाटर, अब आरसीसी मेंबर है जो कि सी वाटर में इमर्ज्ड है, ठीक है, तो जो भी स्ट्रक्चर आरसीसी सी वाटर में इमर्ज होता है उसको सीवियर कैटेगरी में रखा जाता है, सीवियर, ठीक है, एक्सपोजर कंडीशन जो है उसका हम सीवियर लेते हैं, और इनकेस ऑफ सीवियर एक्सपोजर कंडीशन तो सीवियर के लिए जो वैल्यू हो जाता है, ठीक है, वो होता है 45 मिलीमीटर जो है हम कवर लेते हैं, ठीक है, कवर कितना प्रोवाइड किया जाता है 45 मिलीमीटर, बट यहाँ पे कवर नहीं पूछा, यहाँ पे एडिशनल कवर पूछा, अब एडिशनल कवर का मतलब क्या है, एडिशनल कवर का जैसे ये एक्सपोजर सीवियर कंडीशन में 45 है तो नॉर्मल कंडीशन में कितना होता, नॉर्मल कंडीशन में जो होता है वो 20 मिलीमीटर होता है, तो नॉर्मल कंडीशन से ये कितना ज्यादा है, तो नॉर्मल कंडीशन में 20 होता है और यहाँ पे कितना एडिशनल हो रहा है 25, सो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, फाइन, क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इन अ सी वाटर एज पर आईएस 456/2000, तो सी वाटर के लिए मिनिमम ग्रेड कितना लेना होगा, मिनिमम M30, इससे कम आप नहीं ले सकते हैं, आईएस 456/2000 का रिकमेंडेशन है ये, ओके, तो यहां तक हो गया 70। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71 क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 71 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है, वे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, ओके, तो स्टेटमेंट वन देखिए, वे बैचिंग, दो टाइप का बैचिंग होता है, वॉल्यूम बैचिंग एंड वे बैचिंग, तो वे बैचिंग मेथड डज नॉट प्रोड्यूस कंक्रीट ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, ये गलत है, ये नोट नहीं, कंक्रीट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ का कंक्रीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, डज नॉट नहीं होगा, डज प्रोड्यूस होगा, तो ये रिक्वायर्ड, जितना आपको स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है उतना स्ट्रेंथ का कंक्रीट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वे बैचिंग के थ्रू, ओके,
तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब जब भी, मैं पहले भी बता चुका हूं, जब भी स्टेटमेंट वन गलत होगा तो इसका आंसर डी होगा ही होगा, दूसरा स्टेटमेंट देखना ही नहीं है, फाइन, क्योंकि दूसरा सही ही होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट कभी क्वेश्चन में गलत नहीं होता, वो ऑप्शन ही नहीं है। ओके, तो स्टेटमेंट टू देखते हैं, बल्किंग ऑफ ए एग्रीगेट डज नॉट इन्फ्लुएंस द वे बैचिंग। तो जब हम वे बैचिंग करते हैं तो बल्किंग जो है, बल्किंग ऑफ एग्रीगेट, वो इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो वॉल्यूम, वॉल्यूम बैचिंग यदि करोगे, वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग, तो वहां पे बल्किंग जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग में बल्किंग इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम लिया जा रहा है, यहाँ पे वेट लिया जा रहा है, इसलिए इन्फ्लुएंस नहीं करता। ये सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत था, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। अब ये ऑब्वियसली जो है स्टील के लिए पूछ रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है स्टील का, वो आपका हो जाता है यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, दैट मीन्स एफ वाई डिवाइडेड बाय वॉट एवर द वर्किंग स्ट्रेस। तो वही तो हम लिखते हैं, जैसे LSM में, LSM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, 1.15 FY बाय सिग्मा, तो सिग्मा जो होता है कितना आ जाता है, FY बाय 1.15, दैट मींस 0.87 FY, ठीक है। तो दैट इज यील्ड स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस इज नॉन एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, डी इज द करेक्ट आंसर, फाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दिया हुआ है। सो सी द क्वेश्चन नंबर 73, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के इलास्टिसिटी को, इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, दैट मीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट से रिलेटेड स्टेटमेंट है ये। अब बोलता है स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ ए कंक्रीट इज अ स्ट्रेट लाइन अप टू 10% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस। तो ये स्टेटमेंट सही है, जनरली 10-15% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस तक स्ट्रेस स्ट्रेन का जो बिहेवियर है वो लीनियर एज्यूम करते हैं स्ट्रेट लाइन, समझ पा रही चीजों को, 10% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस तक हम जो है स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर को हम स्ट्रेट लाइन एज्यूम करते हैं, फाइन, ये सही है। सेकेंड, स्ट्रेन डिटर्मिनेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम टेंजेंट मॉडुलस, गलत, टेंजेंट मॉडुलस से हम स्ट्रेन नहीं डिटरमाइन करते हैं, किससे करते हैं, हम सीकेंट मॉडुलस से करते हैं, सीकेंट मॉडुलस से करते हैं, ओके, तो टू इज रॉन्ग। थर्ड, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीकेंट मॉडुलस, बिल्कुल सही, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो सीकेंट मॉडुलस होता है। सो 1 and 3 इज करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट, तो देखते हैं ऑप्शन, सो बी इज द करेक्ट आंसर, 1 and 3, क्लियर है आपका, समझ आ पा रही चीजों को, कोई डॉट तो नहीं है ना यहां तक, सो बी इज द करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट आंसर, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 74, इन एनी टेंशन एनफोर्समेंट, इफ एनी टेंशन एनफोर्समेंट इन एन आरसी बीम अटेन इट्स यील्ड स्ट्रेस ड्यूरिंग द लोडिंग बिफोर द कंक्रीट, तो स्टील जो है, स्टील पहले यील्ड पे पहुंच गया, ठीक है, बिफोर कंक्रीट इन कंप्रेशन जोन फेल्स, कंक्रीट जो है अभी फेल नहीं हुआ है, कंक्रीट फेल नहीं हुआ है बट स्टील यील्ड पे पहुंच गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन अंडर एनफोर्स्ड, मतलब स्टील यील्ड होना स्टार्ट हो गया है, कंक्रीट अभी अपने अल्टीमेट पे नहीं पहुंचा है, दिस इज नॉन एज अंडर इन्फोर्स सेक्शन, ओके, क्लियर है ये चीजें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 75, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया ऑफ टेंशन एन्फोर्समेंट, अब टेंशन एन्फोर्समेंट जो है, देखिए यहाँ पे सपोज ये बीम बना लेते हैं एंड दिस इज द टेंशन एन्फोर्समेंट, इसके सेंट्रोइड जो है सेंटर, ठीक है, वहां से डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया ऑफ द टेंशन एन्फोर्समेंट एंड द मैक्सिमम कंप्रेसिव फाइबर, मतलब यहां तक, अब इस डेप्थ को क्या बोलते हैं हम,
तो टेंशन मैक्सिमम कंप्रेसिव फाइबर इन ए रेनफोर्स कंक्रीट बीम डिजाइन इज नॉन एज, इसको बोला जाता है इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी, इफेक्टिव डेप्थ ओके। एंड टोटल डेप्थ क्या होता है, ये पूरा का पूरा डेप्थ जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं टोटल डेप्थ। फाइन, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 75। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, देखते हैं क्या पूछा है। 76, द मिनिमम स्ट्रेन एट फेल्योर इन अ टेंशन स्टील हैविंग यील्ड स्ट्रेस दिस 415 एंड यंग्स मॉडुलस इज 200 जीपीए एज पर द लिमिट स्टेट मेथड। तो बोला जब फेल्योर के टाइम पे मिनिमम स्ट्रेन एट फेल्योर स्टील में कितना होना चाहिए, स्टील में मिनिमम स्ट्रेन कितना होना चाहिए। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो स्ट्रेन होना चाहिए स्टील में उसका फॉर्मूला बोलता है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0.87 FY डिवाइडेड बाय ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील प्लस 0.002। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 0.87, FY का वैल्यू 415, ES जो है आपको दिया हुआ 200 GPA, दैट मीन्स 200 × 10³ MPa हो गया ये, प्लस 0.002। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो आएगा 0.0038 आपका वैल्यू आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्वेश्चन क्या है, सो सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 77। ओके, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन फॉर ए रेनफोर्स्ड, दिस 77 क्वेश्चन, फॉर ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम विद M20 कंक्रीट, आपको कंक्रीट क्या दिया हुआ M20, ओके, विद Fe415 स्टील है, द वर्किंग मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू द बैलेंस फेल्योर बाय लिमिट स्टेट। बोल रहा है जो MU लिमिट जो निकालते हैं हम, वो Fe415 के लिए कितना होता है, वो होता है 0.138 FCkBD2, ये होता है। तो ये होता है MU लिमिट अल्टीमेट, बट वर्किंग मोमेंट जब निकालेंगे, वर्किंग मोमेंट निकालने के लिए इसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से लोड फैक्टर से डिवाइड कर देते 1.5 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.138 डिवाइडेड बाय 1.5 FCkBD2। फाइन, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो ये हो गया वर्किंग मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू द बैलेंस फेल्योर बाय लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन इज ए टाइम्स, ए एक फैक्टर है, ए टाइम्स ऑफ द रिलेटेबल मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्किंग मोमेंट कंप्यूटेड बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये हो गया LSM से, LSM का ये फॉर्मूला था। अब WSM का जो फॉर्मूला होता है, WSM का वर्किंग मोमेंट के लिए, WSM में कोई भी लोड फैक्टर नहीं होता, इतना याद रखना, WSM में कोई लोड फैक्टर नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे जो मोमेंट मिलता है वो वर्किंग मोमेंट ही होता है 0.130 सिग्मा CBC BD2, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, इसका MU लिमिट बाय 1.5 डिवाइडेड बाय दिस, दोनों का रेशियो लेने के बाद देखिए आपका A का फैक्टर क्या आ रहा है, A इक्वल टू नथिंग बट 0.138 FCK का वैल्यू है 20 × BD2 डिवाइडेड बाय 1.5। अब इसके 0.130 सिग्मा CBC कितना होता है M20 के लिए, 7 × BD2। तो यहाँ से डिवाइड जब करेंगे आपको, तो डिवाइड करने के बाद जो फैक्टर मिलेगा वो नियर टू 2.02 मिलेगा, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या पूछा है, 78, अ सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन, सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम हैज ए विथ आपको दे दिया है कितना है, 150 mm है विथ, ओके, एंड द इफेक्टिव डेप्थ दिया हो, दैट मीन्स डी दिया हो आपको 330 mm है, ओके। द करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट M20 कंक्रीट है आपका, एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ Fe415 स्टील यूज किया गया है, ओके। एडॉप्ट द स्ट्रेस ब्लॉक फॉर कंक्रीट एज पर IS 456 2000।
अब IS 456 2000 स्ट्रेस ब्लॉक कैसा बोलता है? ऐसे बोलता है कंक्रीट का स्ट्रेस ब्लॉक, ठीक है, स्ट्रेस ऐसा डेवलप होता है एज पर IS 456 2000, ठीक है। तो ये जो IS 456 2000 एंड टेक द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है Fe 415 के लिए? Fe 415 के लिए आपको पता है XU लिमिटिंग जो होता है 0.48 ऑफ डी होता है, वो ऑलरेडी दिया हुआ यहाँ पे। वैसे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 0.48 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ, ओके, 0.48 टाइम्स ऑफ डी, ओके, बीम ऑफ करस्पॉन्डिंग बैलेंस सेक्शन, व्हाट इज लाइकली द अप्रोक्सीमेट फॉर द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, पूछा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका कितना होगा। फाइन, तो यहाँ पे जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग वैल्यू निकालते, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला है 0.138, अभी इससे पहले जस्ट मैं बताया था एफ सी के बी डी स्क्वायर, एक तो डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं आप, याद रखिए एफ ई 415 के लिए कितना होता है 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर, यहाँ पे पुट कीजिए एफ सी के का वैल्यू कितना हो गया 20 इंटू बी का वैल्यू कितना 150 और डी का वैल्यू कितना 330, इसका होल स्क्वायर कीजिए, ठीक है। इसको यदि 10^6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 10^6 से डिवाइड कर दें तो आपको किलोन्यूटन मीटर में मिल जाएगा, किलोन्यूटन मीटर में मिल जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है 45.07 किलोन्यूटन मीटर, सो सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, तो ये था आपका 78 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ पोर्टेबल वाटर एज स्पेसिफाइड बाय आईएस 456 2000। तो जो कंक्रीट बनाने के लिए जो वाटर यूज करते हैं उसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? तो आईएस 456 2000 बोलता है पीएच का वैल्यू 6 से कम नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 6, ठीक है, इट शुड नॉट बी लेस देन, सो नॉट लेस देन 6, ओके, दिस इज द एज पर कोडल प्रोविजन। तो ये कोडल प्रोविजन है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। अ सर्टेन आरसी स्ट्रक्चर, रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड अलोंग ए सी कोस्ट, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? देखिए सी कोस्ट में, ठीक है। द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये पहले भी क्वेश्चन अभी देख चुके हैं, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लेते हैं सी कोस्ट के लिए? तो इट शुड नॉट बी लेस देन M30, मिनिमम M30 लेते, दैट मीन्स M30 से कम नहीं होना चाहिए, सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए 81 क्वेश्चन क्या है, एज कंपेयर टू द वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन परमिसेस दैट द कंक्रीट कैन एडमिट। तो कंक्रीट जो है, ये पहले भी एक बार आ चुका क्वेश्चन, ये पार्ट वन वीडियो में भी ये क्वेश्चन था, ठीक है, फिर से ये क्वेश्चन है, रिपीट होता है कुछ क्वेश्चन सब, ठीक है। तो आप जो है पार्ट वन नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, पार्ट वन एंड पार्ट टू, चलिए देखते हैं। ये बोला कंपेयरिंग WSM, WSM मेथड को LSM से कंपेयर कर रहा है, ठीक है, कंपेयरिंग WSM मेथड ऑफ डिजाइन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन परमिसेस दैट द कंक्रीट कैन एडमिट हायर वैल्यू। LSM मेथड जो है हायर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एडमिट करता है, ठीक है, क्योंकि वो नॉन लीनियर पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कंसिडर करता है। फाइन, सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो 81 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, 81 का बी। समझ पा रहे चीजों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक? फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या है। फुटिंग सेल बी डिजाइन टू सस्टेन द, तो फुटिंग जो हम डिजाइन करते हैं वो क्या सस्टेन करने के लिए, ठीक है, तो फुटिंग सेल बी डिजाइन टू सस्टेन अप्लाइड लोड, उसके ऊपर लोड कितना अप्लाई हो रहा है, मोमेंट एंड फोर्स अंडर द रिलेटेबल लोडिंग कंडीशन, मोमेंट एंड फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं, एंड इंड्यूस्ड रिएक्शन, नीचे से जो रिएक्शन इंड्यूस्ड हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो ये तीनों के लिए हम फुटिंग को डिजाइन करते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा, डी, आंसर विल बी डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस इन द डिजाइन ऑफ ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन के डिजाइन के लिए क्या क्या स्टेटमेंट है, ओके, 83 में क्या दिया हुआ देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग केसेस इन द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर इन अ फ्लेक्जर,
अब उसके बाद जो है आपको चार स्टेटमेंट दिया हुआ है। चारों स्टेटमेंट को यदि देखें तो पहला स्टेटमेंट है ओवर इन्फोर्स सेक्शन, दूसरा स्टेटमेंट है आपका टेंशन फेल्योर, तीसरा कंप्रेशन फेल्योर, चौथा है अंडर इन्फोर्स सेक्शन। ठीक है, अंडर इन्फोर्स सेक्शन। ओके, तो क्वेश्चन पूछा फॉर आरसी मेंबर, रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर, फॉर आरसी मेंबर मेंबर इन फ्लेक्चर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो जो रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर है इन फ्लेक्चर में, उसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो हम जब आरसी मेंबर रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर के लिए डिजाइन करते हैं फ्लेक्चर के लिए, तो हम क्या करते हैं अंडर इन्फोर्स लेते हैं, अंडर इन्फोर्स सेक्शन। और अंडर इन्फोर्स सेक्शन में फेल्योर कैसा होता है, टेंशन फेल्योर होता है। ठीक है, जिससे कि वो ग्रेजुअल फेल हो, स्टील फेल हो, कंक्रीट फेल नहीं हो। कंक्रीट का फेल्योर क्या होता है, ब्रिटल होता है। सो टू एंड फोर इज द करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 83। आई होप आपको समझ आया होगा आज का वीडियो। कुछ भी डाउट हो आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में, तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, तो हमारे तरफ से जो आपको पूरा का पूरा हेल्प मिलेगा जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने के लिए। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कोई भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहाँ पे भेजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो पहुँच सके। ओके, और कुछ भी आपका सजेशन हो, कुछ भी सजेशन हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। और कुछ भी आप एडिटिंग चाहते हैं या साउंड में एडिटिंग चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर स्पीड स्लो चाहते हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो ओके, थैंक यू फॉर टुडे, बी हैप्पी एंड कीप स्टडिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।